हमारे चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, आज हम अमलतास के फायदे के बारे में बात करेंगे। अमलतास एक मध्यम आकार का वृक्ष होता है। यह लगभग सारे भारतवर्ष में उत्पन्न होता है। मई और अप्रैल के गर्मियों में यह वृक्ष फूलों से लद जाता है और इसके बाद इसे फली लगती है जो 1.5 से 2 फुट लंबी होती है। इसे 4 से 8 जोड़े में पत्र लगते हैं और पीले रंग के चमकदार मंजरियों में पुष्प लटकते रहते हैं। पुष्पों के बाद इसे 1 से 2 फीट लंबी बेलनाकार नुकीली फली लगती है जो कच्ची अवस्था में हरी होती है और पक जाने के बाद काली हो जाती है और इसमें चपटे बीज होते हैं। यह मनमोहक और सुंदर पुष्पों की वजह से इसे आप आसानी से पहचान लेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसे संस्कृत में राजवृक्ष, हेमपुष्प और आर्गवत कहा गया है। इसे हिंदी में अमलतास और तनबेड़ा कहते हैं। गुजराती में गरमाड़ो और मराठी में भावा कहा जाता है। तेलुगु में रेलचट्टू और कन्नड़ में कक्केमर कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अमलतास पचने में भारी, मृदु, स्निग्ध और स्वाद में मधुर होता है। इसकी प्रकृति शीतल होती है। यह पेट के दर्द को दूर करता है और इसकी फली रुचिकारक होती है। यह कुष्ठ नाशक और पित्त कफ नाशक होती है। इसकी पत्तियों से कफ का नाश होता है और इसके फूल स्वादिष्ट, शीतल, कड़वे और कसीले होते हैं। इसके फल की अंदर की मज्जा भूख बढ़ाती है और स्निग्ध तथा मधुर होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि अमलतास हमारी सेहत के लिए किस प्रकार से फायदेमंद होता है और इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले अमलतास की जड़ को लाकर चावलों के पानी के साथ पीसकर सूंघाने से और लेप करने से कंठमाला में फायदा होता है। दोस्तों, अगर मुख में छाला हो गया हो या मुखपाक की समस्या हो तो इसकी मज्जा को धनिया के साथ पीसकर थोड़ा कत्था मिलाकर मुख में रखने से मुंह के छाले मिटते हैं और मुंह का रोग दूर होता है। अगर आप नाक के आसपास होने वाली छोटी फुंसियों से परेशान है तो इसके पत्ते और छाल को पीसकर इस पर लगाने से फुंसियाँ दूर होती है और निशान भी नहीं रहते। यह श्वास रोग में भी बहुत फायदेमंद है। इसके फलों के मज्जा के 40 से 60 ग्राम क्वाथ बनाकर पीने से मृदु विरेचन होकर श्वास की रुकावट मिट जाती है। इसके अलावा इसका गुलकंद बनाकर 20 ग्राम की मात्रा में खाने से सूखी खांसी मिट जाती है। दोस्तों, इसकी फलों के मज्जा के साथ पिपरी मूल, हरित की, कुटकी और नागरमोथा को समान मात्रा में मिलाकर क्वाथ बनाए, फिर इसे पीने से आंव, सोल, कफ और वात तथा ज्वर मिट जाता है। इस क्वाथ का सेवन करने से कमजोर पाचन शक्ति मजबूत बनती है। इसके फलों की मज्जा पेट के लिए लाभकारी होती है। इसके फलों की मज्जा के साथ थोड़ा पानी मिलाकर पीसकर बच्चों की नाभि की चारों ओर लेप करने से पेट का दर्द दूर होता है और अपारा मिट जाता है। दोस्तों, इसके फलों के गुद्दे का काढ़ा बनाकर 5-6-10 ग्राम की मात्रा में इमली का गुद्दा मिलाकर सुबह शाम पीने से पित्त प्रकोप मिट जाता है। यह पेट को साफ करने में बहुत फायदेमंद होता है। इसकी 3 से 4 पत्तियों को पीसकर नमक और मिर्च मिलाकर खाने से पेट शुद्ध हो जाता है। इसके पीले रंग के सुंदर पुष्पों का गुलकंद बनाकर पीने से पेट साफ हो जाता है और आंत्र रोग, सूक्ष्म ज्वर मिटता है। इसके फलों के 10 से 20 ग्राम गुद्दे को रात में लगभग 0.5 लीटर पानी के साथ भिगोकर रखें, फिर सुबह उठकर मच्छल छान कर पीने से पेट साफ हो जाता है और जिसके कारण गैस, अपारा और कब्ज मिटता है। अगर आप इस पत्तों को छाछ के साथ पीसकर लेप बनाकर लगाते हैं तो खुजली मिटती है। इसके कोमल पत्तों को पीसकर घी के साथ मिलाकर लेप करने से विसर्प रोग ठीक होता है। इसके अलावा इस पत्तियों को सिर्फ पानी के साथ मिलाकर लेप बनाकर लंबे समय तक लगाते रहने से कुष्ठ रोग मिट जाता है। पेशाब संबंधी समस्या होने पर इसकी बीजों की गिरी को पानी में पीसकर एक लेप बनाए,
फिर इसे नाभि के नीचे लगाएं। इससे पेशाब खुलकर आता है और पेशाब की रुकावट मिट जाती है। अगर शरीर में किसी भी अंग में सूजन हो तो इसके पत्तों को गर्म करके बांधने से सूजन उतर जाती है और यह गठिया में भी बहुत लाभकारी होता है। दोस्तों, अगर आप चेहरे पर होने वाले दाग धब्बे से परेशान हैं तो इसके कोमल कोमल पत्तों को पीसकर चेहरे पर लेप लगाएं। इससे चेहरे के सारे काले दाग निकल जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।